कि भाई हमारे पास इसमें मैं ये फोर, बताना है कि मिल्क जी हमारे पास फोर कंटेनर हैं, ए बी सी डी, और उन चारों कंटेनर में मिल्क और वाटर का मतलब मिक्सचर है। तो ए में जी मिल्क है 5, वाटर है 3, बी में मिल्क है 1, वाटर है 3, और सी में मिल्क है 3, वाटर है 2, और डी में है 7:4। सर बी में आपसे कह गलत रहा है, है, आपसे कह रहा है कि ये बताओ किसमें मिल्क सबसे कम है जी। बी में गलत है सर, सर बी में 2:1 है। डी में अच्छा, बी में 2:1। तो आपसे कह रहा है किसमें मिल्क सबसे कम है। ओफ, थर्ड में सिर्फ जो जैसे 5:3 है तो फर्स्ट वाला मिल्क है और सेकंड वाला वाटर है। यस बताओ सर कैसे कंपेयर करेंगे। सर वाटर का रेशियो इक्वल करके सर कैसे बताओ, 5:3 का 5:3 कर दिया और हैं फिर सर सबका जो एलसीएम लेके करा मैंने तो सर क्या बताओ, क्या एलसीएम क्या लिया ट्वेल्व ट्वेल्व ले रखा मैंने आपने। 12 लिया, फिर क्या करा 12 लेके। सर। फिर मैंने फर्स्ट वाला मिक्सर का निकाला तो आ रहा 20/12, फिर 21, सेकंड मिक्सर का आ रहा है 24/12, गुड, थर्ड वाले का रहा है 18/12 और फोर्थ वाले का आ रहा है 21/12। सबसे यस मिनिमम है वो 18/12 है थर्ड ऑप्शन। यस। हमें क्या करना है सर, हमें किसी एक टर्म को सेम करना है। दो तरीके से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से कंपेयर क्या कर सकते हो, एक तो कंपेयर ये कर सकते हो कि टोटल आपका सेम आना चाहिए। टोटल टोटल क्या है, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये हमारे पास है 5:3 और 2:1, तो जी 5 और 3 का सम क्या है, एट और एट 2 और 1 का, थ्री तो इनका एलसीएम ले लो क्या हुआ। 21 जी 24 क्या हुआ, 24 24। तो मुझे अगर इसका सम 24 करना है तो मैं इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मुझे इसको 24 करना है तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। तो दोनों को देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और 8 2 जा 16, और 8 1 जा 8, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम कंपेयर नहीं कर सर पाएंगे। इससे हाँ ज्यादा आसान वही था कि हम वही कह, सबके एलसीएम ले मैं लें। वही कह रहा हूँ, यहाँ से भी आप कंपेयर नहीं कर पाओ क्योंकि रेशो वाली बात नहीं होती। तो फिर इसमें यही तरीका है कि भाई हम किसी एक भी क्वांटिटी को इक्वल कर लें, चाहे ए को चाहे बी को। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5/3, हमारे पास है 2/1, हमारे पास है 3/2, हमारे पास है 7/4। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 12 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 12 से ही मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आएगा, 20/12, आपके पास क्या आएगा, 24/12, आपके पास क्या आएगा, 18/12, और आपके पास क्या आएगा, 21/12। तो यहाँ अब आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर मेरे पास 12 लीटर सर पानी है, ऑप्शन थर्ड में 18/12 अगर मेरे पास 12 लीटर पानी है तो उसके कंपैरिजन में दूध कितना है, ये आपको पता चल रहा है,
ठीक है, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं अपने वाले को। तो 12 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो हमारे पास मिल, सबसे कम जो मिल्क है वो किस में है? 18 में, थर्ड वाले में। तो थर्ड हमारा ऑप्शन है, यहाँ हमारे पास 12। हाँ जी सर, क्लियर है ये? जी सर। तो ऐसे कर सकते, चलो जी सर। एक क्वेश्चन और डॉक्टर साहब ने भेजा, जरा ये भी देख लो, एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। ये इसका है, क्या नाम है, इक्वल हमारे पास जो ईएमआई होती है, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन ये भी आएगा। A sum of rupees 210 was taken as a loan. This is to be paid back in two equal installments. If the rate of interest 10% compounded annually, then the value of each installment is. सोचो सर जरा इसे क्या करेंगे। सर तो हमें जो 10% लेना है वो हाफ करके लेना है या फिर पूरे का? ये तो एनुअल ही है बेटे, बट अब आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है।